Hi guys, what's up? Welcome back to a new video. So this is your host Aaron and you are watching the channel named Town Hall Aaron. So guys, कैसे हो? जैसे कि आप देख ही सकते हो कि न्यू सीजन आ चुका है और हमारे पास बहुत सारी लूट हो चुकी है जो कि सीजन बैंक की होती है ना? So भाई साहब, आपने न्यू क्वीन की स्किन देखी है क्या? अगर देख ही लिया होगा यार, इतने देर तक तो कौन रुकता है? क्लैश ऑफ क्लैंस आपने खोल ही लिया होगा। मैं अभी क्या ही बेवकूफ़ हो जैसे बातें करता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि 27 जनवरी को मेंटेनेंस ब्रेक आया था। अगर आपने मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं ज्वाइन की होगी तो बेसिकली आप सब्सक्राइब नहीं होगा चैनल पे। और हाँ, सब्सक्राइब से याद आया कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, और अगर कर दिया है तो बेल नोटिफिकेशन चेक करो यार, ऑल पे दबा दो, क्योंकि अगर ये दो स्टेप नहीं कर दो ना तो आप सही में मेरे वीडियोस और लाइव स्ट्रीम मिस कर जाते हो। तो बेसिकली देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस 27 जनवरी में, जो कि चार दिन पहले की बात है, तो मेंटेनेंस ब्रेक आया था क्लैश ऑफ क्लैंस में। सो उसके पहले मेंटेनेंस ब्रेक क्यों आता है? जब भी कोई न्यू चीज़ ऐड होती है तभी मेंटेनेंस ब्रेक आता है गेम में। सो मेंटेनेंस ब्रेक आया था, और ये जो आप देख सकते हो, ये जो रॉक क्वीन की जो स्क्रीन है वो ऐड हो रही थी, और जो डेटा माइनर्स जो होते हैं उन्होंने भाई पहले ही निकाल लिया था भाई, ये मतलब कि रॉक क्वीन की स्क्रीन आने वाली है। लेकिन कुछ ही लोगों के पास थी, मेरे पास भी थी, मैं चाहूँ तो डाल सकता था लेकिन स्ट्राइक पड़ जाती, तो नहीं किया। तो आज ऑफिशियली आ चुका है क्लैश ऑफ क्लैंस की तरफ से 1:30 बजे, और उसके पहले हमारा क्लैन जो है लेवल 20 पहुँच चुका है। भाई साहब क्या बात है यार, क्वांटम पे कास्ट लेवल 20 का क्लैन है। सो आप लोग पूछो कि ये कब हुआ, तो बेसिकली ये हुआ 7 दिन नहीं, अभी क्या बोलते हैं, क्लैन गेम्स कब ख़त्म हुआ? ख़त्म हुआ था 3 दिन पहले, 3 दिन 10 घंटे पहले जब ख़त्म हुआ था। तो जैसे क्लैन गेम्स ख़त्म हुआ था तो आपको पता ही है, जो लास्ट ईयर में 420 XP मिलती है, तो 420 XP ही चाहिए थी हमारे क्लैन को लेवल 20 होने के लिए, और ईजीली हमारा क्लैन का जो लेवल है वो हो गया था। जैसे देख ही सकते हो भाई, लेवल 20 क्लैन हो गया भाई साहब, तो बहुत मज़ा आ गया भाई साहब। मतलब कि लेवल 12 से भाई क्लैन में हूँ मैं ये, और बहुत अच्छा क्लैन है। सो इसी के साथ में एक चीज़ और डिस्कस कर रहा था, रॉक क्यून की स्किन के बारे में, गिव अवे के बारे में। सो मैं होस्ट कर रहा हूँ इस बार फेब्रुवरी सीज़न रॉक क्वीन का गिव अवे। सो बेसिकली इसमें आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है, सो बेस को मैक्स करते करते मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप आता है, वो है आपको सबसे पहले लाइक करना है इस वीडियो को, और चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये दो मेन चीज़ें जो आपको कैसे भी करके करने ही होंगे, मतलब कंपलसरी है। अगर ये चीज़ नहीं किया आपने तो मतलब कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, सो ये दो स्टेप हो गए, और थर्ड स्टेप है आपको कमेंट करना है नीचे अपनी Instagram ID। अगर Instagram ID नहीं है तो कोई बात नहीं, Twitter की ID आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बस ये दो ही में एलिजिबल है, या तो Instagram या फिर Twitter। तो एक दिन क्या होगा, मतलब कि जैसे ही अगर ये जो वीडियो है इसमें 100 likes कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स जिस दिन कंप्लीट होते हैं उस दिन गिव अवे का रिजल्ट नहीं आएगा। सबसे पहले ये पता था, माफ़ करना गाइस, आप लोग इतने गौर से सुन रहे थे। सो देखो, बेसिकली मैं विनर किसको बनाने वाला हूँ, ये सब तो आप दूसरों के वीडियोस में आप सुनते थे, लेकिन हमारा चैनल पे ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे चैनल पे एकदम यूनिक तरीके से गिव अवे होता है, जो भाग्यदार होता है हम उसी को बनाते हैं गिव अवे का विनर। सो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आप हमारी ओल्ड गिव अवे की वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा। सो सबसे पहले ये जो आप देख सकते हो कि जो सीज़न जो स्टार्ट हुआ है, आज स्टार्ट हुआ है, सो ये जो कैसल है ये बिल्डर बेस का पॉइंट है, और ये सीज़न चैलेंज होम बेस का है। सो ये डेली अपने को कितना मिलता है, 60 मिलता है, बरोबर? हाँ, यस, आई एम राइट। सो फेब्रुवरी में कितने डेज है 2021 के? 28 डेज है। ओके, सो 28 डेज है, तो आपको डेली 60 पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये मतलब कि कंपलसरी है, कंपलसरी मतलब बहुत ज़्यादा।
और जैसे ही आप ये जो पॉइंट्स हैं, आप समझो कि 28 के 28 डेज पूरे आपने किए, तो अगर मिलाओगे 28 इंटू 60 करोगे सो 1680 पॉइंट्स के आसपास होंगे, और कैलकुलेटर करके कर लूँगा, आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। और प्लस 850 पॉइंट्स प्लस 800 पॉइंट्स प्लस 850 पॉइंट्स प्लस 700 पॉइंट्स, तो टोटल ये जितने भी होंगे ये कैलकुलेटर करके आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अभी एडिट करते टाइम डाल दूंगा मैं। सो इतने पॉइंट्स 4860 आसपास मेरे ख्याल से, अगर कैलकुलेशन मैंने सही किया होगा तो इतने पॉइंट्स अगर आपके हो जाएंगे, सो गाइस आपको क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट निकालना है आपको, और फटाफट से मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मैसेज कर फॉलो करके मैसेज कर देना है। और उसी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आपको क्या करना है उस पर दबाना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कर लेना है। सो जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा सो आपको मेरे को स्क्रीनशॉट करके भेज देना है दोनों के दोनों इमेजेस। सो ये तो थी बात की बात। सो जैसे कि पता ही आपको कि हिस्ट्री बलून्स करके क्लैश ऑफ क्लैंस में जो इवेंट है वो चल रही है ना। सो रिवर्ड के तौर पर अपने को देखने को मिल रहा है वन ट्रेनिंग पोर्शन विथ 15 जेम्स। भाई यार 15 जेम्स का मैं करूँगा क्या यार, एक और ट्रेनिंग पोर्शन डाल देते भाई, क्या ज़्यादा तुम लोग का क्लैश ऑफ क्लैंस वालों यार। सो ये कंप्लेन है सुपर सेल को, ये मेरे को नहीं पसंद आया, तुम्हारा 15 जेम खुद के पास रखो। और मतलब कि ये सीज़न की जो अपनी स्क्रीन है ना क्वीन की, मतलब कि अगर आप क्लैश रॉयल से थोड़ा सा कंपेयर करोगे ना गाइस, तो क्लैश ऑफ क्लैंस वाले को सही बताऊं उनको आइडिया नहीं मिल रहा था कि कौन सा जो स्किन है जो इंट्रोड्यूस करें, मैं सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, और ना ही ये चीज़ कोई बताएगा, सही बता रहा हूं। सो ये उनको नहीं मिल रहा था। सो अगर आप हेड हंटर देखोगे क्लैश ऑफ क्लैंस में, आपको रॉक क्वीन करके क्वीन देखने वाली है। सो क्लैश रॉयल में एक हेड हंटर करके एक ट्रूप है। सो बेसिकली क्लैश रॉयल में ट्रूप्स नहीं बोलते, क्लैश रॉयल में उसको बोलते हैं कार्ड। तो क्लैश रॉयल में आपको एक कार्ड देखने मिलेगा, उसका नाम है बैंडिट। सो ये गेम प्ले चल रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो। सो ये है उसका गेम प्ले। और मतलब कि आप अगर कपड़े उसके कंपेयर करोगे रॉग क्वीन से, तो थोड़ा बहुत आपको सेम दिखने ही मिलने वाला है, मतलब कि थोड़ा सा सेम है उसका कपड़े। सो यही है, मैं ये थी मेरी स्पेक्चुलेशन, ऐसा मैं पक्का तौर पर नहीं कह सकता कि वही नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे मेरा अटैक फेल होते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो वन इन्फर्नो सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने वाट लगा दी है मेरी, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हीरोज ही बाकी हैं। सो अभी अपना जो मेन काम क्या है, अपना मेन काम है लूट निकालना, अपने को 3 स्टार से मतलब है ही नहीं, मतलब कतई नहीं है। सो अगर 3 स्टार से मेरे को मतलब होता तो मैं तो भाई कोई इजी बेस्ट चुनता और इस पर भी मार सकता था, बट ऐसे ही यार अपने को लूट चाहिए यार, क्योंकि अपने जो वॉल्स हैं यार, वॉल्स बहुत टाइम लगते हैं यार अपग्रेड करने में, आप सभी को लोगों को पता ही होगा। सो सिंगल टारगेट इन्फर्नो मेरे किंग पे लग चुका है, अभी किंग को भगाना पड़ेगा यहाँ से। सो किंग तो बच चुका है, और अपनी देखते हैं क्वीन किस हद तक डिफेंसेस को झेल सकती है। बॉम्ब टावर ले लिया है, अभी तो एबिलिटी देनी ही पड़ेगी। सो अभी छोटे मोटे आर्चर्स ये आर्चर टावर को मार रहे हैं, ओके क्या बात है, सारा लूट तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेल्स की गलतियों की वजह से अटैक जो अपना है 3 स्टार नहीं हो पाया, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने जो ओपोनेंट की सारी लूट मैंने निकाल ली है। सो आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना। सो यस गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे या फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लैश ऑन।